और बढ़ेंगे आगे। और अब खबर आ रही है राजस्थान के बीकानेर से, जहां पर सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई है। इसको लेकर स्थानीय पार्षद रामदयाल पंचारिया के नेतृत्व में सोनी समाज ने धरना दिया है और मृतकों के परिजनों ने मुआवजे देने और वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि माता मंदिर में दर्शन कर बीकानेर लौट रहे दो युवकों की सड़क हादसे में कल मौत हो गई थी। बाइक पर सवार थे जिन्हें एक कार ने टक्कर मारी। मामले को लेकर परिजनों में रोष है, भारी भीड़ सड़क पर मौजूद है और राजस्थान में स्थानीय लोग इसके बाद धरने पर बैठ गए। बेलगाम वाहन चालक, बेलगाम कार सवार, बेलगाम ट्रैफिक लोगों की असमय ही जान ले रहा है। कल 5 बजे ये घटना हुई है। देशनोक से आते हुए और वो गाड़ी जा रही थी तो इतनी स्पीड में गाड़ी थी कि वो ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो गए। और उनके राजू के 3 लड़कियां हैं और एक उनकी लेडीज है, वो गर्भवती है, उनकी साल संभाल कौन करेगा। इसलिए इन्होंने समाज के साथ बैठ के इन्होंने बातचीत, समझौता नहीं हुआ है, इसलिए प्रशासन को गिरफ्तार करने के लिए मांग रखी है और 21-21 लाख रुपये दोनों FD करवाने के लिए इनको बोला है। तो इन्होंने अभी तक समझौता हुआ नहीं है, इसलिए इन्होंने बॉडी उठाई नहीं है। जब तक ये बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक समझौता नहीं होगा।